गाइस आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं, दीवार पर हमारा वीडियो चल रहा है। एक ऐसा एप्लीकेशन लाया हूं जिससे आप अपने दीवार पर वीडियो देख सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम सुनकर डाउनलोड करने मत चले जाना, उसमें एक ऐसा सेटिंग बताने वाला हूं, उसको सेटिंग करते ही आपका दीवार पर वीडियो 100% चलेगा और आप अपने दोस्तों को भी चौंका सकते हो। हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, यहाँ पर सारा कुछ लाइव दिखाने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना, तभी आपका एप्लीकेशन वर्क करेगा। एप्लीकेशन में एक ऐसा सेटिंग बताया हूँ जिससे आपका एप्लीकेशन 100% वर्क करेगा। फाइनली एप्लीकेशन ओपन कर दिए हैं। ओपन करने के बाद पहले आपका फ़ोन का डेटा ऑन करना है। डेटा ऑन करने के बाद आपका एरर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लगा क्योंकि हमारा इंटरनेट आप लोग देख सकते हैं स्लो चल रहा है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का तरीका इस वीडियो में ही कहीं पर भी बताया जा सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखो। सिंपल सा हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर सिलेक्ट वीडियो पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पर बहुत सारा गैलरी का फोटो वीडियो मिल जाएगा आपको। यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, आप कहीं से भी वीडियो चला सकते हैं। चलिए आपको एक वीडियो चलाकर लाइव प्रूफ दिखाते हैं। चलिए एक अपना वीडियो सिलेक्ट करते हैं, फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के फाइनली वीडियो का फाइल में आ चुके हैं। अपना एक वीडियो सिलेक्ट करते हैं। दूसरा वीडियो सिलेक्ट करने से प्रॉब्लम है क्योंकि कोई भी हमको कॉपीराइट दे सकता है। जैसे ही आप वीडियो सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करते ही आपका एप्लीकेशन चलने लगेगा। आपको यहाँ पर जो हाथ का आइकन दिख रहा है वहीं पर टिपिएगा तो काम करेगा, स्क्रीन पर काम ही नहीं करेगा क्योंकि जो स्क्रीन है वो प्रोजेक्टर का काम करता है और नीचे में आप जो वीडियो चलाएंगे वही आप देख सकते हैं। आप अपने इस तरह से दोस्तों को चौंका सकते हैं। इस एप्लीकेशन में बहुत सारा फीचर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना है।